लोगों को उनकी असली औकात पता चल जाए तुम्हारे सामने आते ही। अगर लाना ही है ना तो ऐसा किलर एटीट्यूड लाओ अपने। एक फाड़ू किलर एटीट्यूड लाने के लिए मैं आपको 5 ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जिसके बाद दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। ऐसे कई लोग सदियों में हुए हैं जिसके पीछे दुनिया दौड़ती थी, वैसा इंसान कैसे बने आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, किसी के ऑप्शन मत बनो। जब कोई इंसान झुकने लगता है तो उसे झुकाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी की इज्जत करते हो और वो इंसान तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऑप्शन मत बनना। ऑप्शन वो कुत्ता है जो न घर का है न घाट का। हमेशा याद रखो, किसी के ऑप्शन नहीं, किसी के चॉइस बनो। जब तुम किसी के चॉइस बनोगे ना तो तुम उसकी जरूरत हुए, उसकी आदत हुए, जिसे वो चाह कर भी मिटा नहीं सकता। अगर तुम लोगों के लिए ऑप्शन होते हो ना तो तुम्हें 2% के हिसाब से रद्दी के भाव में बेच दिया जाता है, यानी तुम्हें कभी भी लात मार कर निकाल दिया जाएगा अपनी जिंदगी से। हमेशा याद रखना, किसी के ऑप्शन मत बनो कभी। अगर कोई इंसान तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है तो उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके लिए मात्र एक ऑप्शन हो जिसको कभी लात मार कर भगा देगा। तुम्हें भगाए वो, उससे पहले तुम खुद उसे छोड़ दो। खुद को किसी की आदत बनाओ, किसी की जरूरत बनाओ, जिससे लोग तुमसे तुम्हें ही भीख मांगे। पॉइंट नंबर 2, तुम क्या हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुमसे सक्सेसफुल इंसान तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, ये औकात या दौलत किसी के बाप की जागीर नहीं होती, इसे बनाया जाता है हिम्मत और मेहनत से। तुम भी बना सकते हो। खुद से कह दो कि आज से मुझे अपने औकात को बदलना है और इसे ऐसे मुकाम पर ले जाना है जहां लोगों की औकात ना हो मेरे सामने औकात की बात करनी। 2 बंदों की लड़ाई होती है, कौन पहले मुक्का चलाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पहले गिरता है इससे फर्क पड़ता है। कौन पहले धूल चाटता है इससे फर्क पड़ता है। उसी तरह 10 साल बाद ये डिसाइड होगा कि किसकी औकात ज्यादा है, उसकी या तुम्हारी। तुम्हारी औकात उससे अभी भी कम है या उसकी औकात अभी तुम्हारे जूते की धूल की तरह है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी औकात दिखाता है ना तो सिंपल सा सोचो अपने दिमाग में, 10 साल बाद मिल यार, 10 साल बाद में तू देखेगा मेरी औकात और मैं भी देखूंगा तेरी औकात। ये शायद तेरा अंत है और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करो, जाओ फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईडी भी आपको नीचे दिख रहा हो। पॉइंट नंबर 3, बदलना सीखो। गाइज, 1 थिंग जो तुम्हारे रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला देती है वो है किसी के लिए तुम्हारा तड़पना, किसी का तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारा भीख मांगना। गाइज, हमेशा ध्यान रखो, जो इंसान तड़पता है उसे और तड़पाया जाता है और तड़पाया जाता है, और जो इंसान बदलता है ना उसके लिए लोग तड़पते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो? क्या फर्क पड़ता है अगर किसी का साथ नहीं मिला तो? कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल देगा। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए पत्थर है, किसी को तुम बहुत ज्यादा चाहते हो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी उसके लिए पत्थर बन जाना चाहिए। अपना एटीट्यूड कुछ ऐसा रखो, जो तुम्हें प्यार करते हैं ना उनके लिए दिल मोम का रखो, एक बोली से पिघल जाएगा। और जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, जो तुम्हें तड़पाते हैं, उनके लिए ना अपना दिल पत्थर रखो। तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अरे सोच क्यों रहे हो, तुम खुद हो। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तो किसी के लिए तड़पना छोड़ो, बदलना सीखो। पॉइंट नंबर 4, खुद को क्रिएट करो। एक फायर करने वाला जो गन होता है ना, गन, वो पता है किन सब चीज़ों से मिलकर बनता है? बहुत से चीज़ों से मिलकर बनता है। स्प्रिंग, मैगजीन, बुलेट और कितने सारे पार्ट्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है, और जितने पार्ट्स होते हैं एकदम बेस्ट से बेस्ट पार्ट्स उठाए जाते हैं तब वो बनता है एक फायर करने वाला गन, जिससे गोली निकलती है और आदमी का सीना छलनी होता है उससे। जैसे एक गन अलग अलग पार्ट्स मिलकर इतना पावरफुल बनता है, वैसे ही अलग अलग क्वालिटीज अपने अंदर लाकर आप खुद को पावरफुल बना सकते हो। मान लो कोई इंसान है जिसका कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उससे जलो मत, उसके कॉन्फिडेंस से जलो मत, उसके कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाओ। हे, खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ अपना, खुद को रिक्रिएट करो। जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटीज अपने अंदर ला सकते हो लेकर आओ, जिससे दुनिया तुम्हें सलाम होगी। खुद को एक बंदूक बनाओ। जितनी पावरफुल एक बंदूक होती है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, उसी तरह तुम होने चाहिए
जिसके सामने पूरी दुनिया झुके। पॉइंट नंबर 5, बिलीव इन गॉड। आज से 1000 साल पहले के महारथियों को उठाओ, 200 साल पहले के महारथियों को उठाओ या आजकल के महारथियों को उठाओ, एक चीज आपको हमेशा कॉमन दिखेगी, वो है बिलीव इन गॉड। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको एक पावरफुल एटीट्यूड बनाना है तो आपको गॉड पर फेथ होना चाहिए, गॉड पर विश्वास होना चाहिए। गॉड पर विश्वास आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है और आप पॉजिटिव रास्ते पर चलते हो। आप कितने भी संकट में हो, आपको चलने का साहस मिलता है। कुछ नास्तिक लोग कहेंगे गॉड वर्ड में मैं नहीं मानता, गॉड कहाँ है तुम्हारे। मैं आपको कहूंगा गॉड एक पॉजिटिव सोच है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। रावण एक बहुत बड़ा योद्धा था, उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था। इनफैक्ट क्यों मारा गया, रीजन ये था कि उसका सोच जो था ना नेगेटिव था, पॉजिटिव सोच नहीं था उसका। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं महाराणा प्रताप से बहुत इंस्पायर्ड हूं। वो हमेशा लाखों की सेना से भिड़ जाते थे हर हर महादेव करके, क्यों? फेथ था, बिलीव था गॉड में, गॉड उनको कुछ नहीं होने देंगे। एंड दैट्स व्हाई मुझे भी फेथ है एंड आपको भी होना चाहिए। अगर आपको एक किलर एटीट्यूड, एक फाड़ू एटीट्यूड बनाना है तो गॉड पर बिलीव करो, सब सही होगा। कितने भी मुश्किल में होगे, गॉड आपको रास्ता दिखाए। गॉड पे अनब्रेकेबल बिलीव आपके एटीट्यूड को इतनी पावरफुल बना देती है कि दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एडवाइस चाहिए, मेंटर की जरूरत है, माई टिप्स कंसल्टेंसी सर्विस यूज करें, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा लेकिन कॉन्टेंट पसंद आए लाइक करें। वन सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।